Hello friends, welcome to my channel Eyes Everywhere. दोस्तों वन वीक पहले मैंने ये लैपटॉप लिया था और ये लैपटॉप का मैंने अनबॉक्सिंग किया था और उनका वीडियो यूट्यूब पे डाला था। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो देख सकते हो। इनमें कुछ कुछ लोगों की कमेंट्स आई थी कि ये आसूस का लैपटॉप है, उनके रिव्यू बताओ। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में मैं आपको आसूस वीवोबुक गेमिंग लैपटॉप के पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा और गेमिंग टेस्ट करके बताऊँगा। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं, बाद में नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे। दोस्तों पहला पॉइंट है वो है ये लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये लैपटॉप स्लिम है, थोड़ी थिकनेस ज़्यादा है लेकिन देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। दोस्तों दूसरा पॉइंट की बात करें तो वो है डिस्प्ले। ये लैपटॉप में डिस्प्ले 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले है और वो भी एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले, और साथ में ये लैपटॉप में ब्राइटनेस है वो 215 इंच तक इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है वो है पोर्ट्स। आज के समय में सभी लैपटॉप में सभी यूज़फुल पोर्ट्स दिए जाते हैं, सेम यूज़फुल पोर्ट्स ये लैपटॉप में भी दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये लैपटॉप की बूटअप स्पीड। दोस्तों ये लैपटॉप की बूटअप स्पीड अराउंड 10 सेकंड है। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आप सभी लोग जानते हो कि ये लैपटॉप i5 Core 8th Generation है। दोस्तों ये लैपटॉप में 8GB रैम है। अगर आप ये लैपटॉप की रैम को अपग्रेड करना चाहते हो तो वो आप 12GB तक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये लैपटॉप के स्पीकर और उनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और लास्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो ये लैपटॉप का चार्जिंग टाइम बहुत ही कम है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे लगे हैं। पहला पॉइंट है वो है, दोस्तों मोस्ट ऑफ लोग बता रहे थे कि ये लैपटॉप की बैटरी लाइफ है वो थोड़ी कम है, तो मैंने भी ये प्रॉब्लम सेम फेस किया है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है वो है ये लैपटॉप का वेट। ये लैपटॉप का वेट 2 kg से ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा ये भी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हीट रिलीज वैन। दोस्तों ये लैपटॉप में हीट रिलीज जहाँ से लैपटॉप ओपन हो रहा है वहाँ से हो रही है, तो मुझे लगता है कि इनका इफेक्ट स्क्रीन में भी हो सकता है। दोस्तों ये सब बातें हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। अब ट्राई कर लेते हैं गेमिंग टेस्ट, वो भी 1080p रेजोल्यूशन विथ हाई सेटिंग।